हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। अभी एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, डीएफए का लेंथ बेस्ड एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग की जो लैंग्वेज हमने कंसीडर की वो ये है कि लैंग्वेज इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज एटलीस्ट 2, जिनकी लेंथ जिन सभी स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं एल को, उन सभी की लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब 2 तो भैया होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हुई तो भी चलेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएफए। तो हम लोग इस लैंग्वेज को इन द फॉर्म ऑफ डीएफए अभी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सी व्हाट कैन बी द लैंग्वेज ए, मतलब इसकी लेंथ 2 है, 2 भी चल सकती है या 2 से ज्यादा भी चल सकती है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। सो ये लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस इनफाइनाइट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी। तो हम लोगों ने ले लिया स्टार्ट स्टेट, स्टार्ट स्टेट का नाम मान लो ए है, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट स्टेट। उसके बाद मुझे अगर ए आ गया या फिर बी आ गया, चल रहा है बराबर है कि नहीं, चलता है, तो फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैं बी पे आ गया, एक और ट्रांजिशंस आगे जाते हैं, ए आ जाए, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ए आ जाए या फिर बी आ जाए, इन दोनों में से किसी एक को ले सकता हूं। मैं जाता हूं अपने सी स्टेट पे, और मेरा सी स्टेट क्या है, ये फाइनल स्टेट। क्यों फाइनल स्टेट, क्योंकि मैं इसके ट्रांजिशंस दूंगा ए और बी, ठीक है। अभी आप बोल रहे होगे यार ये क्या इसने यार मतलब बिना एक्सप्लेन किए बना दिया। सी डीएफए को बनाना ये इंस्टिंक्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये बनने के बाद करेक्ट है या नहीं ये आपको चेक करना भी आना चाहिए, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये आपको 2 स्ट्रिंग्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। एक स्ट्रिंग लूंगा जो वैलिड है, एक स्ट्रिंग लूंगा जो इनवैलिड है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए, बी और ए, ठीक है। अभी देखते हैं ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होगी या नहीं। ये स्ट्रिंग ऑब्वियसली इस लैंग्वेज को बिलोंग करती है, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो एटलीस्ट 2 है, मतलब 2 से ज्यादा है। सो वो चलता है भाई, ये चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली मैं कौन से स्टेट पे हूँ, ए। मैं कहाँ पे हूँ, इनिशियली ए स्टेट पे हूँ। ए से बी तक जाने के लिए मैं ए या फिर बी इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता हूँ। तो फ्रॉम ए मुझे इनपुट आया ए, तो मैं ए स्टेट से ए इनपुट पे मैं कहाँ जाऊंगा, बी स्टेट पे जाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू गो टू स्टेट बी, मतलब फ्रॉम स्टेट ए सीइंग एज ए इनपुट ए आई एम गोइंग टू स्टेट बी। उसके बाद मैं अभी स्टेट बी पे हूँ, मुझे इनपुट क्या दिख रहा है, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, दिस इज नथिंग बट माय इनपुट स्ट्रिंग। इनपुट स्ट्रिंग मेरी बी है। सो बी जो है सीइंग ऑन द स्टेट बी आई एम सीइंग द इनपुट बी, और मैं कहाँ जाऊंगा, स्टेट सी पे जाऊंगा। तो मैं स्टेट सी पे चला गया, ठीक है। मैं कहाँ चला गया, स्टेट सी पे चला गया। उसके बाद स्टेट सी पे मुझे इनपुट क्या दिखा, ए। सो स्टेट सी पे जब मुझे इनपुट ए दिखेगा तो मैं वापस से स्टेट सी पे ही जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, स्टेट सी पे ही जाऊंगा। फाइनली मेरा कौन सा स्टेट आया, फाइनली मेरा स्टेट कौन सा आया, सी स्टेट आया, और सी स्टेट मेरा क्या है, इस डीएफए का फाइनल स्टेट है। तो एक तरीके से डीएफए काम कैसे कर रहा है दोस्तों, हाउ इट इज वर्किंग, कि मेरा लेंथ 1 आने दे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मींस व्हेन माय लेंथ इज 1 तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जब मेरा लेंथ 0 है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जब मेरा लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होगा, मतलब 2 तक अगर मैं पहुंच गया तो मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लूंगा, बिकॉज मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एटलीस्ट 2, सो इट कैन बी इक्वल टू 2। उसके बाद कितने भी ए आने दो, उसके बाद कितने भी बी आने दो, मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज कंडीशन है एटलीस्ट 2। 2 या 2 से ज्यादा अगर स्ट्रिंग की लेंथ रही तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये तो होगी वैलिड स्ट्रिंग। चलो एक इनवैलिड स्ट्रिंग देखते हैं। इनवैलिड स्ट्रिंग मतलब ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, समझ लो ए, ए सिर्फ ए दे दिया मैंने, ए इज नथिंग बट माय इनपुट स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैं स्टेट ए पे हूं, इनिशियली स्टेट ए पे हूं, ऑन सीइंग ए एज ए, सी ए स्टेट पे हूं, ऑन सीइंग ए आई एम गोइंग टू गो टू स्टेट बी, बराबर। ए से जब मुझे ए दिखता है, मतलब कंफ्यूज मत होना अभी ए और ए के बीच में, इसलिए मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज किया है। स्टेट का नाम है कैपिटल ए, इनपुट का नाम है स्मॉल ए, ठीक है। सो व्हेन आई एम इन दिस स्टेट नेम्ड एज ए, और जब मैं उसको इनपुट सिंबल देखता हूँ ए, तो आई एम गोइंग ऑन स्टेट बी, तो मैं स्टेट बी पे पहुंच गया। अभी ये मेरी स्ट्रिंग वही खत्म हो गई। स्ट्रिंग आगे कोई भी अल्फाबेट नहीं, कोई भी सिंबल नहीं है जिसके थ्रू मैं फाइनल स्टेट तक पहुंच सकूं। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इस इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, तो ये इनपुट स्ट्रिंग या फिर ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मेरी इस लैंग्वेज में नहीं बैठ रहा। तो मैं क्या कर गया, मैं सिर्फ स्टेट बी पे रुक गया, बिकॉज बी से आगे जाने के लिए मुझे कोई और सिंबल दिख ही नहीं रहा, तो मैं बी पे रुक गया। सो आई हैव स्टॉप्ड एट बी। तो क्या मेरा बी फाइनल स्टेट है, ऑब्वियसली नॉट, मेरा बी फाइनल स्टेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये रुक जाएगा और मेरी जो ये स्ट्रिंग है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, ये मेरी इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, ऐसा बोला जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन, इस लैंग्वेज का एक रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा, विच इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, और मैंने आपको एक वैलिड स्ट्रिंग के साथ समझाया कि फ्लो कैसे जा रहा है, और एक इनवैलिड स्ट्रिंग के साथ समझाया कि फ्लो कैसा जा रहा है और कैसे रुक जाएगा बीच में ही, और वो नॉन फाइनल स्टेट में जाके अटक जाएगी आपकी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, बिकॉज वो इनवैलिड स्ट्रिंग है आपकी लैंग्वेज की। तो जब मैं उस डीएफए में उस स्ट्रिंग को एज ए इनपुट दूंगा तो वो फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचना चाहिए। सो ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डीएफए वैलिड होना चाहिए एंड एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके लैंग्वेज का। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वही तीन मैजिकल चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय channel 5 Minutes Engineering. Thanks a lot दोस्तों for watching this video.